सो हे गाइज एंड वेलकम बैक टू माई वन मोर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो हाँ, 15,000 का बजट और आपको इस बजट के अंदर अपने लिए बेस्ट कैमरा फोन लेना है। वैसे तो इस प्राइस सेगमेंट के अंदर फोन तो काफी सारे, लेकिन जब बात आती है अच्छे कैमरा वाले स्मार्टफोन की तो आपके पास काफी कम स्मार्टफोन का ऑप्शन बच जाता है। तो मैंने काफी एक्सप्लोर और रिव्यू चेकआउट करने के बाद आपके लिए टॉप 3 बेस्ट कैमरा फोन फाइंड आउट किए हैं 15,000 के अंदर में, जिसमें कैमरा लवर्स को सैमसंग वाला 108 मेगापिक्सल वाला कैमरा सेंसर मिल जाएगा और मल्टीमीडिया लवर्स को 120 वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगी और अदर भी काफी सारे अच्छे स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और मैंने सैमसंग लवर्स के लिए तीसरे नंबर पर रखा है सैमसंग A14 5G और ये फोन इंडिया में कुछ दिन पहले ही लॉन्च किया गया है। तो चलिए इस लेटेस्ट स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले से कुछ बेसिक फीचर्स और बिल्ड क्वालिटी के बारे में जान लेते हैं। तो ये फोन फुली प्लास्टिक बॉडी से बना है जो टेक्सचर डिज़ाइन के साथ आता है। और इसके डिज़ाइन की बात करो तो डिज़ाइन वाइज ये फ़ोन दिखने में काफ़ी प्रीमियम लगता है और सैमसंग लवर्स को इसका डिज़ाइन भी काफ़ी पसंद आने वाला है। बट इस फ़ोन का वेट 203 ग्राम है और इसकी थिकनेस में 9.1 mm की है, जिससे ये फ़ोन आपको यूज़ करने में थोड़ा सा हैवी और मोटा फील होने वाला है। और आप इसमें दो सिम कार्ड, एक माइक्रो SD कार्ड एक ही टाइम पर यूज़ कर पाओगे और इसमें आपको 5G के टोटल 10 बैंड्स दिए गए हैं और इसमें आपको हेडफोन जैक और सिंगल स्पीकर दिया गया, जिसके साउंड क्वालिटी एक्चुअली में काफ़ी अच्छी और लाउड है। और इसके राइट साइड में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। तो ये थे इसके कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स। चलिए अब बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन के बारे में और स्टार्ट करते हैं इसके डिस्प्ले से। तो इसमें आपको 6.6 इंचेस की FHD+PLS डिस्प्ले दी गई है, जिसपे काम करती है 90 Hz की फास्ट रिफ्रेश रेट और 450 Nits की पीक ब्राइटनेस भी इसके डिस्प्ले में दी गई है। इसके डिस्प्ले की क्वालिटी तो अच्छी है बट ब्राइटनेस थोड़ी सी कम है, जिससे आप इसके डिस्प्ले को डायरेक्ट सनलाइट में यूज नहीं कर पाओगे, बट आप इसके डिस्प्ले को इंडोर में अच्छे से यूज कर पाओगे। और आपको इस पे यू नॉच दिया गया है जो बहुत से लोगों को थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर सकता है, बट इसका प्रोसेसर आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा क्योंकि आपको इस पे एक्जिनोस 1330 का न्यू पावरफुल प्रोसेसर दिया गया है, जो एक 5 nm बेस प्रोसेसर है, जिसका एंथोस स्कोर मोर देन 4 lakh के अबव देखने को मिल जाता है, जिसपे आप कोई भी गेम लाइक PUBG और COD को हाई ग्राफिक्स पे वेरी स्मूथली रन कर पाओगे। और इस फोन में मल्टीमीडिया को लंबी देर तक एंजॉय करने के लिए आपको इसमें 5000 mAh की बैटरी दी गई, जिसमें आपको आराम से एक दिन का बैटरी बैकअप भी मिल जाएगा। और ये फोन 15 W के चार्जर को सपोर्ट करता है बट बॉक्स के अंदर अडेप्टर नहीं दिया गया, वो आपको अलग से बाय करना पड़ेगा। और फाइनली बात करें इसके कैमरा के बारे में, तो इसके बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप दिया गया, जिसमें से मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, जिसमें सैमसंग J1 का कैमरा सेंसर लगा है, और वही 2 मेगापिक्सल का यूजलेस मैक्रो और डेप्थ कैमरा सेंसर दिया गया है। और फ्रंट पे आपको यू नॉच के 13 MP की सेल्फी शूटर दी गई है और आप इसके बैक और फ्रंट दोनों कैमरा से 1080p पे 30 FPS पे वीडियो शूट कर पाओगे। इस फोन का मैक्रो और डेप्थ कैमरा सेंसर किसी काम के तो नहीं है, बट इस फोन का मेन कैमरा काफी अच्छा काम करता है, जिससे आप काफी नेचुरल और शार्प पिक्चर्स और वीडियो ले पाओगे और यहाँ तक कि लो लाइट में भी इसका कैमरा काफी अच्छा काम करता है और इसकी सेल्फी भी अच्छी काम करती है। और जनरली सैमसंग के स्मार्टफोन का कैमरा काफी अच्छे होते हैं। और फाइनली बात करें इसके प्राइसिंग के बारे में, तो इसके 464 का प्राइस 16,500 पड़ता है, लेकिन बैंक ऑफर अप्लाई करने के बाद आप इस डिवाइस को 15,000 पे बाय कर पाओगे। नहीं तो आप सैमसंग F23 5G को बाय कर सकते हो 15,000 के अंदर में बिना कोई ऑफर अप्लाई किए। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सजेस्ट किए सेकंड बेस्ट स्मार्टफोन रियलमी 9 4G के बारे में, जिसमें आपको 108 मेगापिक्सल कैमरा के साथ साथ डिजाइन और डिस्प्ले भी काफी अच्छी दी गई है। तो चलिए डिटेल में जानते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में, लेकिन उससे पहले इसे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स और बिल्ड क्वालिटी के बारे में जान लेते हैं। तो ये डिवाइस फुली प्लास्टिक बॉडी का बना है और प्लास्टिक की बॉडी होने के कारण इस फोन का वेट 178 ग्राम है और उसकी थिकनेस भी 7.99 mm की है, जिससे ये डिवाइस आपको यूज करने में सुपर लाइट वेट और कंफर्टेबल फील होने वाला है। और इसमें आपको 3.5 mm का जो जैक और डुअल स्टीरियो स्पीकर भी दिया गया है और इसमें आप 2 सिम कार्ड एक माइक्रो SD कार्ड एक ही टाइम पे यूज कर पाओगे। और ये फोन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है और इसके 6128 का प्राइस 14,500 पड़ता है फ्लिपकार्ट के ऊपर। तो चलिए अब बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन के बारे में और स्टार्ट करते हैं इसके डिस्प्ले से। तो इसमें आपको 6.43 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई, जिस पे काम करती है 90 Hz के फास्ट रिफ्रेश रेट और 240 Hz का टच सैंपलिंग रेट और 1000 nits की पीक ब्राइटनेस भी इसके डिस्प्ले में दी गई है। तो गाइस एक लाइन में कहूं तो इस फोन की डिस्प्ले क्वालिटी एक्चुअली में काफी इंप्रेसिव है। यदि आपको स्मार्टफोन में मूवीज या वेब सीरीज देखना ज्यादा पसंद है तो इस फोन का डिस्प्ले आपको जरा सा भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। और इसके पावर हाउस की बात करें तो आपको इसमें 5000 mAh की बैटरी दी गई है, जिसमें आपको आराम से एक दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा और
इन द बॉक्स आपको 33 वाट का फास्ट चार्जर भी दिया गया है। और इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको इसमें स्नैपड्रैगन 680 का 6 NM बेस 4G चिपसेट दिया गया है। मैं इस चिपसेट को एक्सट्रीम गेमिंग के लिए आपको रेकमेंड तो नहीं कर सकता, बट आप इस पर मीडियम सेटिंग पे कोई भी गेम को इजीली रन कर पाओगे। और इसके कैमरा पे आए तो इसके बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप दिया गया है, जिसमें से मेन कैमरा है 108 मेगापिक्सल का, जिसमें सैमसंग HM6 का कैमरा सेंसर लगा है, और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा दिया गया। और फ्रंट पे आपको पंच होल में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी स्टोरेज दी गई है, और आप इसके बैक और फ्रंट दोनों कैमरा से 1080p पे 30 FPS पे वीडियो शूट कर पाओगे। और इसके कैमरा फीचर्स की बात करें तो आपको इसमें डुअल मोड, ब्यूटी मोड, नाइट मोड, HDR, स्लो मोशन जैसे अच्छे और यूजफुल कैमरा फीचर्स भी दिए गए, जिसकी हेल्प से आप कमाल के पिक्चर्स और वीडियो ले पाओगे। और फ्लिपकार्ट पे इसके कैमरा को अच्छी रेटिंग भी दी गई है। तो गाइस, यदि आपको 5G से कोई लेना देना नहीं है और आपको 108 मेगापिक्सल वाला कैमरा फोन चाहिए जिसमें आपको डिजाइन और डिस्प्ले भी टॉप नॉच के मिल जाए, तो ये फोन आपके बिल्कुल बेस्ट रहने वाला है। और यदि आपको एक 5G फोन ही लेना है जिसमें आपको कैमरा क्वालिटी भी काफी अच्छी मिल जाए, तो आप Redmi Note 12 5G को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए डिटेल में जानते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में और स्टार्ट करते हैं इसके डिस्प्ले से। तो इसमें आपको 6.67 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिखे जिस पे काम करती 120 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट और 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस और GG3 की प्रोटेक्शन भी दी गई है। इसके डिस्प्ले की क्वालिटी एक्चुअली में काफी अमेजिंग है और 120 हर्ट्ज भी काफी स्मूथ और स्टेबल काम करता है, और इसका डिस्प्ले भी काफी ब्राइट है, तो मल्टीमीडिया लवर्स को इसके डिस्प्ले से कोई भी इशू नहीं होगा। और इसके पावर हाउस की बात करें तो आपको इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है जो सपोर्ट करती है 33 वाट के फास्ट चार्जर को, जो इस डिवाइस को 1 घंटा 20 मिनट के अंदर फुल चार्ज कर देगा। और इसके चिपसेट की बात करें तो आपको इसमें स्नैपड्रैगन 4 Gen 1 का प्रोसेसर दिया गया जो एक 6 NM बेस प्रोसेसर है, और आप इस प्रोसेसर को स्नैपड्रैगन 695 के ऑलमोस्ट इक्वली मार सकते हो, जिसमें आप कोई भी गेम लाइक पबजी और COD को मीडियम टू हाई सेटिंग पे इजीली रन कर पाओगे बिना कोई लैग फील कर पाए। और इसके कैमरा पे आए तो इसके बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया, 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, और फ्रंट पे आपको पंच होल में 13 मेगापिक्सल की सेल्फी शूटर दी गई है, और आप इसके बैक और फ्रंट दोनों कैमरा से 1080p पे 30 FPS पे वीडियो शूट कर पाओगे। आप इसके मेन कैमरा और इसके सेल्फी से दिन के समय कमाल के पिक्चर्स और वीडियो ले पाओगे, बट नाइट में इसका कैमरा डिटेल को अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाता है। और फाइनली बात करें इसके प्राइसिंग के बारे में, तो इसके फोन 128 का प्राइस 15,500 पड़ता है Amazon के ऊपर,